नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और हाजिर हूं लेकर डंके की चोट पर। जो कहेंगे सच कहेंगे, डंके की चोट पर कहेंगे, ईमानदारी से कहेंगे, जिम्मेदारी से कहेंगे, और जो मुद्दा हम लेकर आ रहे हैं उसकी तह में जाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं डंके की चोट पर। धनबाद का शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज यानी कि SNMMCH एक बार फिर हड़ताल से हलकान है। हलकान डॉक्टर्स भी हैं, साथ ही मरीज भी। बड़ी उम्मीदों से दूर दराज के इलाज के लिए आने वाले मरीज के साथ उनके परिजन भी। इतना ही नहीं, अब रांची में भी 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने भी वेतन भुगतान की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल का अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसे में अब एक ही सवाल उठता है कि अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करना सही है, लेकिन आखिर इस हड़ताल से किसका इलाज होगा? एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते ताकि आप इस विषय के पृष्ठभूमि से, बैकग्राउंड से और इसके आत्मा से खुद को कनेक्ट कर पाए। एक रिपोर्ट पहले। धनबाद के SNMMCH अस्पताल में मरीज हलकान। तीसरे दिन भी डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर दर्ज कराया विरोध। दूर दराज से आने वाले मरीज हो रहे परेशान। इलाज में देरी से दौड़ते रहे परिजन। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिलाएं, हर शख्स परेशान सा है। कोई कितनी दूर से आया होगा ये सोचकर कि सरकारी अस्पताल में बढ़िया इलाज मिल पाएगा। कोई कितनी गंभीर बीमारी से परेशान होगा तो किसी को अपने का खोने का डर सता रहा होगा। लेकिन ये हड़ताल का हथियार ऐसा है जो बिना कांटे की दर्द देता है। दरअसल पिछले दिनों शहीद निर्मल महतो मेमोरियल अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी के विरोध में तीसरे दिन भी डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर रहे। इस बीच मरीज और उनके परिजन बस परेशान रहे। इधर रांची में भी 29 नवंबर से कोरोना योद्धा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों को 4 माह से वेतन नहीं मिला। एम्बुलेंस के ड्राइवर और टेक्नीशियन के सामने भुखमरी की स्थिति। 50 से अधिक कर्मियों ने DC छवि रंजन को ज्ञापन सौंप कर वेतन दिलाने की गुहार लगाई। संबंधित संस्था जिक्तिजा हेल्थ केयर लिमिटेड रांची द्वारा नहीं किया गया वेतन भुगतान। वेतन नहीं मिलने के कारण तनाव में है कर्मी। अब बड़ी बात यह है कि मांगों को लेकर आवाज उठाना सही है, लेकिन हर मर्ज का इलाज क्या हड़ताल से ही संभव है? क्या स्ट्राइक के स्ट्राइक से ही सुधरेगा सिस्टम? कैसे दूर होगी दूसरे मरीजों की बढ़ी परेशानियां? दूर दराज से पहुंचने वाले मरीज कब तक होंगे परेशान? चिकित्सा के क्षेत्र में हर बार हड़ताल कितनी जाए? और तो और, इस हड़ताल से आखिर किसका होगा इलाज? न्यूज 11 भारत के लिए बंटी के साथ सरफराज की रिपोर्ट। तो देखिए, जिस मुद्दे को लेकर हम आपके बीच आ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक तो इसलिए क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर इलाज करता हम ठीक हो जाते हैं और इसलिए फिर हम उन्हें भगवान कहते हैं। लेकिन भगवान का रूठना इस कदर हो जाए कि भगवान हमारा इलाज ही ना कर पाए, यह भी तो सही नहीं है। या भगवान के रूठने का मतलब उनके हड़ताल से। आखिर व्यवस्था ऐसी या परिस्थिति ऐसी क्यों हो जाती है कि इन डॉक्टर्स को हड़ताल करना पड़ जाता है? आखिर चीजें कैसे दुरुस्त होंगी? ठीक है, आप विरोध जताते, बहुत सही बात है, क्योंकि विरोध जताने का अपना अधिकार जो है आपको मिला, वो संविधान से मिला हुआ है। संविधान के जो अनुच्छेद 19(1) जो है वो आपको अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको देता है। और देखिए कितनी खास बात है कि 26 नवंबर का दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, और इसी दिन अभिव्यक्ति की आजादी जो कि डॉक्टर्स की होनी चाहिए थी, वो खुद को अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेकिन किस माध्यम से? हड़ताल के माध्यम से। अब इस हड़ताल से तो इलाज नहीं हो सकता, ना मरीज का इलाज हो पाएगा और ना उनका जो इस वजह से हड़ताल कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी मांगे हैं। तो हड़ताल से भला जब इलाज हो ही नहीं सकता किसी का भी, एक तो भौतिक रूप से इलाज जो कि हड़ताल होने की वजह से मरीजों का नहीं हो पा रहा है, और दूसरा वो मांग
जिसकी मांग को लेकर हमारे धरती के भगवान, हमारे डॉक्टर हड़ताल पर हैं। पूरा मामला थोड़ा और अच्छे से जानने के लिए हमें अपने सहयोगी के साथ जुड़ना होगा। हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनबाद से सीधा, और दिलीप से ही जानते हैं। दिलीप, इस मामले की थोड़ी तह में जाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए रिपोर्ट हमने दिखाया, दर्शकों को बताया कि देखिए मामला ये हो सकता है हड़ताल के पीछे का, और ये रहा है, यानी कि जो उनकी मांगे रही हैं, जो उनका विरोध रहा है, और मिला जुलाकर उन्होंने अपनी नाराजगी को हड़ताल के तौर पर सामने रख दिया। लेकिन हड़ताल से तो किसी का भला नहीं हो रहा है, ना तो मरीजों का और ना उनके खुद का। आश्वासन मिलेगा हड़ताल खत्म होगी। हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे, आखिर हड़ताल पर ये डॉक्टर गए क्यों? क्योंकि हड़ताल यानी कि विरोध आप कर रहे हो, और विरोध करने का तरीका तो कुछ और भी हो सकता था। आखिर मरीजों को परेशान करके हड़ताल करने का ये फैसला हुआ कैसे? कौन लोग इसमें शामिल थे? बिल्कुल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ये बात है, और पिछले कई वर्षों से जब से ये अस्पताल चल रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स के साथ अगर कोई परेशानी होती है तो वो प्रदर्शन करते हैं और हड़ताल पे भी जाते हैं। और हड़ताल पे जाने की सबसे बड़ी वजह उनकी बनती है, वो हमेशा सुरक्षा की मांग करते हैं, और सुरक्षा की मांग करते हैं, और जब उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाता है, और जो मरीज यहाँ पर इलाजरत आते हैं उनके साथ अगर कोई विवाद होता है, कोई बगझक की बात होती है, बात आगे तक बढ़ जाती है और उन्हें लगता है कि अब न्याय मिलना मुश्किल है, तो वो हड़ताल पे चले जाते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या बनती है, इसके पीछे जाने की जरूरत है। बहुत बड़ा अस्पताल है ये, पहले पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज अस्पताल था, उसके बाद कुछ दिन पहले इसे शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दर्जा दिया गया। झारखंड में कई सरकारें बन गई, लेकिन इसकी जो बदहाली है, जिस सिस्टम की के इलाज की जरूरत इस अस्पताल को है, वो सिस्टम इसका इलाज नहीं कर रहा है। बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, संथाल से, गोड्डा से, साहेबगंज से, धनबाद के तो लोग आते हैं, गिरिडीह से आते हैं, कई दूर दराज के लोग यहाँ पे इस उम्मीद से आते हैं कि बहुत बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, शायद रांची जाना उसके लिए संभव नहीं होता, तो यहीं पे आते हैं और सोचते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है, डॉक्टर्स की कमी है, दवा की कमी है, बेहतर इलाज की कमी है, और जो आउटसोर्स पे जो यहाँ पे नर्सेस काम कर रहे हैं उनकी भी कभी मानदेय नहीं मिलती है, वो इस बवाद को लेकर हड़ताल पे चले जाते हैं। और इस दौरान जो मरीज इस उम्मीद से 100 किलोमीटर चल करके आता है कि उनका जो मरीज है, साथ में जो परिजन है, बेहतर इलाज मिलेगा, और जब यहाँ पे उन्हें इलाज नहीं मिलता है, घंटों लाइन लगने पड़ते हैं पर्ची बनवाने के लिए, और जब नंबर आता है तो डॉक्टर सही से देखते नहीं, और डॉक्टर ये कहते हैं यहाँ पे तो दवा नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, कहीं और ले जाओ, ये झल्लाहट दिखाता है। और इस झल्लाहट में जाहिर सी बात है, जिनकी मरीज है और उन्हें ये लगता है कि अगर उन्हें बेहतर इलाज नहीं मिलेगा तो उनकी मौत हो जाएगी, तो नाराजगी किस पे दिखाएंगे? वो सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखा नहीं सकते, और यहाँ पे जो सिस्टम है उसके खिलाफ नाराजगी दिखा नहीं सकते, लेकिन नाराजगी दिखती है जो डॉक्टर्स उस वक्त ड्यूटी पे होते हैं। उस डॉक्टर्स की भी कोई गलती नहीं होती है, जितने सिस्टम्स उनको सरकार ने मुहैया कराया है उस सिस्टम के साथ वो इलाज कर रहे हैं, और जब बेहतर सिस्टम ही नहीं है तो सिस्टम को कैसे सुदृढ़ करेंगे? तो ये जब विवाद बढ़ता है तो डॉक्टर्स के साथ जो परिजन आते हैं मिसबिहेव करते हैं, और जब मिसबिहेव करते हैं तो डॉक्टर को लगता है कि उनके साथ गलत हुई और वो हड़ताल पे चले जाते हैं। चलिए, बिल्कुल दिलीप, जाहिर सी बात है, तो हम जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उन तमाम लोगों से हम गुजारिश भी करते हैं कि देखिए कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, डॉक्टर्स धरती के भगवान जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार और हर केस को वो संभाल ही पाए, कई बार अनहोनी हो जाती है, कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है, हमें उन्हें सत्य मानकर स्वीकार करना होगा, ये बात सच है। लेकिन दिलीप एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन कि ठीक है, आपने कहा कि वो विरोध जताने के लिए वो हड़ताल पर गए हैं, ठीक है, विरोध का अधिकार उन्हें है संविधान के जो अनुच्छेद 19(1) के तहत, ए के तहत उन्हें ये अधिकार मिला हुआ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो विरोध अभी वो कर रहे हैं, जो लेकिन उसका मतलब ये भी तो होता है कि आपके जो अधिकार है उनका एनक्रोचमेंट हुआ, आपने हड़ताल कर दी, लेकिन जो मरीज का भी तो एक अधिकार है ना कि उन्हें बेहतर चिकित्सा मिले, बेहतर उनका इलाज हो, तो उनका अधिकार भी तो लेकिन एनक्रोच हो रहा कहीं ना कहीं उनकी हड़ताल की वजह से। तो क्या जो पढ़े लिखे हमारे डॉक्टर हैं इस बात को नहीं समझते? देखिए, बिल्कुल आपने भी बताया कि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, और अगर कोई आदमी परेशान होता है तो उन्हें लगता है कि उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा और ठीक तभी हो पाएंगे किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, और इसी उम्मीद के साथ डॉक्टर्स के पास आते हैं। डॉक्टर को भी समझना चाहिए, ठीक है, जिस सिस्टम में वो काम कर रहे हैं, जैसा सिस्टम उन्हें सरकार ने मुहैया कराया उसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़े पेशेंस के साथ उनको भी काम करना है, क्योंकि परिजन बहुत दूर से आते हैं, उन्हें संभव नहीं होता है 100 किलोमीटर जाना,
फिर आना और फिर आकर के जब इलाज नहीं होता फिर जाना और फिर आना, आप समझिए कितनी परेशानी होती होगी। और दूर दराज नहीं, धनबाद, कोयलांचल, गिरिडीह, कई जगह के लोग आते हैं, तो इस दौरान डॉक्टर्स को भी थोड़े पेशेंस रखने की जरूरत है, उन्हें ये समझाने की जरूरत है, जो मरीज यहाँ पे आते हैं अगर आपक होते हैं, इलाज अगर बेहतर नहीं मिलता, उन्हें ये बताने की जरूरत है कि जिस सिस्टम को सरकार ने यहाँ पे, जिस व्यवस्था को यहाँ पे सरकार ने रखा है, सुदृढ़ करने की कोशिश की, उसी व्यवस्था में उनका इलाज होगा। तो अगर ये सही तरीके से समझाएं तो जाहिर सी बात है कि विवाद नहीं बढ़ेगा। और जहाँ तक हड़ताल पर जाने की बात है तो डॉक्टर्स को भी इस बात को समझने की जरूरत है कि जो मरीज है उनकी सेवा के लिए उन्हें डॉक्टर्स बनना है, आगे अच्छे अच्छे लोगों का इलाज करना है, और एक बेहतर मरीज और डॉक्टर्स के बीच जो एक बेहतर संबंध होता है उसको स्थापित करना। और ये संबंध जब स्थापित होंगे तो दोनों के तरफ से, ना तो मरीज के तरफ से, परिजन के तरफ से कोई विवाद होंगे, ना डॉक्टर्स हड़ताल पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स का विरोध करने का तरीका भी अलग होता है। आप काला बिल्ला लगा ले, दो घंटे के लिए काम नहीं करें, लेकिन हड़ताल पे जाना। देखिए कल भी जब हड़ताल हुई थी 500 से ज्यादा मरीज इसी में, अभी जो आकस्मिक केंद्र यहाँ पे, यहीं पे जो गंभीर मरीज आते इलाज होता है, यहाँ से वो वापस चले गए, कोई डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं थे। और जाहिर सी बात है जो ट्रेनी नर्सेज है उसके भरोसे अस्पताल नहीं चल सकता है, सिस्टम जिस सिस्टम यहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर्स उसके भरोसे अस्पताल चल रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे समझने की जरूरत है कि पहली प्राथमिकता इलाज है। ठीक है आपके साथ विवाद हुआ, लेकिन विवाद को निपटारना करने का कई तरीके हैं। जिला उपायुक्त से भी आपने मुलाकात की, अपनी बात को रखा, जो वरीय पुलिस अधीक्षक है उनसे भी बात रखा, जो आपके अपने सिस्टम के अधीक्षक है उनको रखा, और उन्होंने बार बार आश्वासन दिया कि कहीं से वैसे कोई गलती नहीं होगी। और कई बार तो इससे बड़े भी विवाद हुए थे जिसको सुलझाया गया, और यहाँ पे उसके बाद पुलिस बल को भी तैनात किया गया। लेकिन जो मरीज होते हैं उनके जो परिजन होते हैं उन्हें लगता है कि अगर बेहतर इलाज नहीं मिलेगा तो उनके साथ परेशानी होगी, वो इतने पैसे वाले नहीं होते हैं कि किसी निजी अस्पताल में जाएगा। उस समय जब विवाद होता है तो उसको अच्छे से समझाने की जरूरत है, और मरीज को बताने की जरूरत है कि सरकार ने जो सिस्टम डेवलप किया है वो सिस्टम के अनुरूप आपका इलाज हो रहा है। जी बिल्कुल दिलीप, तो निश्चित तौर पर तो ये एक बड़ा सवाल तो है कि असल में गलती किसकी होती है, ये ढूंढने की कोशिश तो हम करते हैं कि डॉक्टर्स की गलती थी या मरीज के परिजनों की गलती थी, लेकिन वास्तविकता यह कि हमें गलती ढूंढनी चाहिए कि गलती क्या थी, कैसे हुई थी वो गलती, बजाय इसके क्योंकि कौन तो कोई भी हो सकता है, कोई भी पक्ष हो सकता है कौन, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है जो है कि परिस्थिति वैसी होती है, चीजें क्या गलत होती है वो हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो दिलीप तुम्हारे साथ बने हुए हैं, जमशेदपुर में भी लगभग इसी तरह के हालात से रूबरू हुए वहां के सरकारी अस्पताल के मरीज के परिजन और मरीज, क्योंकि वहां भी हड़ताल हुआ था, हड़ताल ये थी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की, हालांकि वो खत्म हो चुकी, लेकिन स्थिति बिल्कुल ऐसी बन गई थी जैसे धनबाद में इस वक्त है। क्या स्थिति थी प्रभात, हालत कितनी खराब हो चुकी थी, क्योंकि आउटसोर्सिंग कर्मियों के भरोसे तो खैर हमारा चिकित्सा विभाग अभी चल ही रहा है, चिकित्सा जगत हमारा है ही, स्थिति कितनी खराब थी और कितनी चिंताजनक लग रही थी उस वक्त जब तक हड़ताल पे थे ये स्वास्थ्यकर्मी? बिल्कुल पंकज, देखिए आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो थे करीब करीब 200 नर्सेस थी जो कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएम अस्पताल में कार्यरत थी, और सुबह 8 बजे से ये लोग हड़ताल पे चले गए थे, और हड़ताल पर और हॉस्पिटल के अंदर ही सारे जितने भी नर्सेस थी वो बैठ गई थी, जो जो टेक्नीशियन थे वो हड़ताल पर चले गए थे। निश्चित है हड़ताल पर चले जाने से जो एमजीएम के जो वार्ड में जो काम करने वाले, जो अन्य सुविधा प्रदान करने वाले नर्सेस हैं, टेक्नीशियन है, उनके उसके चलते मरीजों पर काफ़ी असर पड़ा। केवल दो विभाग छोड़ दिए गए, इमरजेंसी और जो चाइल्ड वार्ड है जो निकू पिकू है, उन विभागों को छोड़ के जितने भी विभाग थे, चाहे वो मेडिकल हो, ऑर्थो हो, आपका हार्ट के हो, जितने भी विभाग के सब नर्सेस थे वो हड़ताल पर चले गए थे। सुबह 8 बजे से हड़ताल पर चले गए थे, लगभग 2-2.5 बजे तक उन लोग अस्पताल के अंदर ही बैठे रहे थे। 2.5 बजे के बाद जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है नकुल चौधरी, वो पहुंचे नर्सों के पास में, और नर्सों की बातें जानी कि आखिर उन लोग का हड़ताल का कारण क्या। तो नर्स जो थी वो हड़ताल के बारे में बताई कि भाई पिछले 2 महीने से हमें वेतन नहीं मिला, और इसी तरह आज से 1 महीना पहले भी, हम बता दें पंकज कि 1 महीना पहले भी इन लोगों ने इसी तरह की हड़ताल की था। चूँकि उस वक्त उपायुक्त एक कार्यक्रम में एमजीएम अस्पताल पहुँचे थे, इसकी सूचना मिली तो उपायुक्त तत्काल वहाँ पहुँचे और नर्सों से बात करके, और जो एजेंसी थी एजेंसी को बुलाकर तुरंत तत्काल उनका जो वेतन था उनको दिलाया गया था, और ये कहा गया था कि वेतन आपकी महीने महीना मिल जाएगा, लेकिन पिछले 2 महीने से नहीं मिल रहे थे, मजबूरन आज फिर से वो जितने नर्सेस थे, मतलब प्रभात जितने देर हड़ताल पर ये कर्मचारी रहे, यानी जाहिर सी बात है इलाज तो किसी का नहीं हुआ होगा उस दौरान, तो बहुत ज्यादा असर पड़ा होगा फिर तो, अगर 200 से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी
बिल्कुल असर तो पड़ा ही पंकज, क्योंकि कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और ऐसे में इमरजेंसी और चाइल्ड वार्ड छोड़ के जितने भी विभाग थे, मैं पहले भी बताया, वो विभाग में ना नर्सेज इंजेक्शन देने जा रही थी, ना दवाई देने जा रही थी, तो मरीजों में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह 8 बजे से बैठे हुए थे वो लोग परिसर के अंदर ही, और करीब करीब 2 से 2:30 बजे के बीच जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है वो पहुँचते हैं, कर्मचारियों से बात करते हैं, और उनको साथ में जो एजेंसी के जो मैनेजर थे वो वहाँ पहुँचते हैं, और उन लोगों को यह आश्वासन दिया जाता है कि अगर आपके पैसे शाम तक अगर नहीं पहुंचते तो आप फिर से हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन उन लोगों का साफ कहना था कि जब तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे हम हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। शाम के वक्त उनके अकाउंट में पैसे जब ट्रांसफर हुआ तब उन जो के वो लोगों ने हड़ताल खत्म कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बार बार ये क्यों होता है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों इनको मजबूरन ये मजबूरी का फायदा उठाते हैं जो एजेंसी है, क्यों उनको बार बार हड़ताल पर चला जाता है, जबकि एजेंसी और जो अस्पताल प्रबंधन के बीच में जो समझौता है उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर सरकार की तरफ से या फिर हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से अगर एजेंसी को पैसा नहीं भी जाता है तब भी एजेंसी जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है उनको समय पर वेतन देना है, ये साफ लिखा हुआ है। इसी को लेकर आज जब हमने डिप्टी प्रेसिडेंट से बात की तो उनका साफ कहना था कि डिप्टी प्रेसिडेंट ने एजेंसी के खिलाफ लिखी है और इस तरीके का ये लेके दोबारा हो गया, अगर तीसरी बार ऐसा होता तो फिर हॉस्पिटल चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब जितने नर्सेस अगर वो हड़ताल पर चले जाएंगे तो इसी तरह मरीज के ऊपर ज्यादा असर पड़ जाएगा। गनीमत है कि कोई बड़ा कैजुअल्टी नहीं हुआ, चूंकि इमरजेंसी और बच्चे वार्ड को छोड़कर सारे चीज वो बंद रखे हुए थे, ये अच्छा था कि कोई बड़ा कैजुअल्टी नहीं हुआ। अगर ऐसे में अगर नर्सेज अगर मरीज के पास नहीं जाएंगे, उनको दवा नहीं देंगे, इंजेक्शन नहीं देंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मरीज खतरे में पड़ सकता है। लेकिन अच्छा है कि इस तरह की कोई घटना हुई, लेकिन जो MGM प्रशासन है, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने सरकार को एजेंसी के खिलाफ लिखा है कि भाई एजेंसी के ये लेके दूसरी घटना है, बार बार इस तरीके से हो रहा है, जबकि बात को मिलाकर इस हड़ताल से कम से कम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इलाज तो हो गया, उन्हें वेतन मिलने का आश्वासन मिल गया है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि हड़ताल से किसी का इलाज संभव नहीं है। यह हड़ताल बड़ी दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन फिर भी यह हड़ताल होता है, हड़तालें की जाती है, विरोध जताया जाता है, प्रदर्शन होते हैं, धरना दिया जाता है, क्यों होता है, जबकि इसका इससे किसी का कोई फायदा नहीं होता है। हाँ, दबाव आप बनाते हैं, लेकिन वो दबाव या विरोध करने का तरीका कुछ और भी हो सकता है। कम से कम मरीजों की जान की कीमत पर विरोध जताना, हड़ताल करना, ये तो सही नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इसी मुद्दे पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर हड़ताल से किसका इलाज हो रहा है, कि हड़ताल बार बार किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, इसी पर चर्चा हमारी। एक छोटे से ब्रेक रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर डंके की चोट पर, और हम बात कर रहे हैं हड़ताल से आखिर किसका हो रहा इलाज। जी, हड़ताल की दो अलग अलग परिस्थितियां पैदा हुई, एक धनबाद में, एक जमशेदपुर में। जमशेदपुर में तो हड़ताल को खत्म कर दिया गया क्योंकि जो मांगे थी वो कमोबेश मान ली गई हैं, लेकिन धनबाद में स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है, और यहां पर की स्थिति थोड़ी ज्यादा पेचीदा है, थोड़ी ज्यादा गंभीर है, थोड़ी ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि यहां पर सामान्य स्वास्थ्य कर्मी नहीं बल्कि जो डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स कह लें या रेजिडेंट डॉक्टर्स कह लें, सीनियर और जूनियर, वो हड़ताल पर है, क्योंकि वो बार बार अपने साथ हो रहे जो परिजनों के हंगामे की वजह से या उनके खिलाफ जिस तरीके से परिजन के जो मरीज हैं, मरीज के जो परिजन हैं, हंगामा करते हैं, उससे वो नाराज हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए ही। तो हमारे साथ दिलीप भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात भी जुड़े हुए हैं। दिलीप धनबाद से हैं, तो सीधा उन्हें से फिर से एक बार जानते हैं। दिलीप, एक बात जो बार बार हम सुनते आ रहे हैं हड़ताल को लेकर, जब भी कहा जाता है कि चलिए एक विरोध जताने का तरीका आपका हो सकता है ये, लेकिन आप जिस पेशे में हैं वहां पर इस तरीके की जो हड़ताल है वो तो कहीं ना कहीं नुकसानदेह ही साबित होते हैं, और कई बार तो जान पर भी बनाती है क्योंकि आप जिस पेशे से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है जापान वगैरह में जब लोग हड़ताल करते तो खूब काम करते हैं, ये तो सम्भव खैर हमारे यहां हो नहीं पा रहा है, ये कहावत है या सच्चाई तो जापान वाले लोग ही जानेंगे, लेकिन जिस व्यवस्था की बात या जिन चीजों की बात है, जिन कमियों की वजह से इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, क्या उसको लेकर ये डॉक्टर्स हड़ताल नहीं करते हैं? कि जैसे कि लापरवाही की बात, या मरीज के परिजन कहते हैं कि लापरवाही हो गई या समय से देखने कोई नहीं पहुंचा, यानी कि संसाधन की बात, तो उसको लेकर हड़ताल पर क्यों नहीं जाते कभी? देखिए, बिल्कुल
डॉक्टर्स को काम करना है, मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधा देना और बेहतर से बेहतर इलाज करना है, उनकी प्राथमिकता इसी में होती है। देखिए सरकार को सिस्टम दुरुस्त करने की जरूरत है। मान लेते हैं कहीं पे सड़क दुर्घटना होती है या फिर किसी को गोली मारा जाता है, कहीं मार पीटी, तो इलाज कराने के लिए यहीं पे आएंगे और जो डॉक्टर्स ड्यूटी में होते हैं वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर के तरफ से लापरवाही बरती जा रही है और अच्छा इलाज हो सकता है, अगर इलाज के दौरान परिजन की मौत होती है तो डॉक्टर चाहते तो परिजन की जो घायल अवस्था में आया है या फिर किसी अन्य बीमार होकर है उनकी जान बच जाती है। तो देखिए परिजन गुस्सा करते हैं और ये गुस्सा किस पे निकालते हैं, जो उस वक्त ड्यूटी पे जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जूनियर डॉक्टर्स होते हैं उन पर निकालते हैं, लेकिन वो एक बार भी यह गुस्सा सिस्टम के खिलाफ नहीं निकालते हैं। इतना बड़ा अस्पताल है, कैसे चल रहा है, इतना बड़ा अस्पताल है, दवा कहाँ से आ रहा है, इतना बड़ा अस्पताल है, सिस्टम कैसे डेवलप करेंगे, इतना बड़ा अस्पताल है, डॉक्टर की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है सही तरीके से, हम जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे इतने बड़ा अस्पताल को क्यों छोड़े हुए। तो इस सिस्टम के खिलाफ अगर परिजन या फिर लोग गुस्सा निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि और बेहतर सुविधा का इजाफा हो सकता है। देखिए कहानी थोड़ी सी मैं पीछे ले जाऊँगा, जब वासेपुर में नन्ने खान को गोली लगी तो उसे गोली लगी और उसे इलाज के लिए यहाँ पे लाया गया था। हालांकि उस दौरान ये कहा जा रहा था कि 6 गोली लगी है तो रास्ते में उसकी मौत होगी, लेकिन उसके बावजूद भी बेहतर से बेहतर यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही थी और भीड़ की शक्ल में हुजूम यहाँ पे उमर पड़ा। उन्हें लग रहा था कि डॉक्टर्स चाहेंगे तो जीवित बच जाएगा। इसी दौरान कुछ लोगों के द्वारा डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव किया गया, जो पहली गलती लोगों की थी। इसके आवेश में वो लोग स्ट्राइक पे गए, उसको समझाया गया, फिर हड़ताल से वापस लाया गया। और दूसरी गलती आज जब बाहर से मरीज के परिजन आए और इलाज के लिए और उन्हें बेहतर नहीं मिला इलाज मिला तो वो हंगामा किए, हालांकि कार्य बहिष्कार किया, हड़ताल पे गए लेकिन समझाने के बाद वो काम पर आ गए। तो देखिए व्यवस्था से लड़ने की जरूरत है, सिस्टम से लड़ने की जरूरत है और जो सिस्टम और जो व्यवस्था सरकार ने मुहैया कराई है उसी के तहत यहाँ पे इलाज हो रहा है, उसी के तहत डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं। अब अगर हम बेहतर इलाज की कल्पना करेंगे इस स्वास्थ्य केंद्र में तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बेहतर व्यवस्थाएं बहाल करनी होगी जिला प्रशासन या फिर राज्य सरकार को, तभी हम बेहतर विकल्प या बेहतर व्यवस्था यहाँ पे मुहैया करा पाएंगे। और वैसे में अगर डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं और अगर उन्हें लगता है कि उसी संसाधन में उन्हें इलाज करना है और उस वक्त अगर मरीज के साथ मिसहैपनिंग होती है तो इसमें कहीं से भी डॉक्टर्स दोषी नहीं है। और यही कारण बनता है जब परिजन हंगामा करते हैं और मिसबिहेव करते हैं और डॉक्टर्स को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि जो मुहैया सरकार ने सिस्टम किया है उसी के साथ काम कर रहे हैं, तब ये परिस्थितियां बनती है। हालांकि डॉक्टर्स को हर रूप में भगवान माना जाता है, आप दूसरा रूप है और वो इलाज करने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि जो कई लोग यहाँ से मरीज आते हैं वो इलाज होकर के बेहतर होकर के घर जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं धनबाद का बाशिंदा होता और खुदा ना खास्ता मेरे किसी परिजन को इलाज के लिए ले जाना पड़ता धनबाद SNMMCH, तो इस वक्त मैं कांप रहा होता, गड़गड़ा रहा होता, तो जाहिर सी बात है उस वक्त गुस्से की स्थिति में मैं होना चाहूंगा। गुस्से की स्थिति जो होगी वो मेरी होगी, ना कि डॉक्टर्स की होगी। डॉक्टर्स को तो मानसिक रूप से मजबूत होना ही होता है क्योंकि उन्हें इतने सारे क्रिटिकल केस को हैंडल करना पड़ता है। हम चलिए डॉक्टर्स को गुस्सा आया तो उन्होंने हड़ताल कर दी, अगर जो जनता है उसको गुस्सा आएगा वो गुस्सा किस पर निकाले आखिर? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह हड़ताल करके आप जनता का गुस्सा और भड़का रहे हैं, बजाय इसके कि आप सेवा करके उन चीजों को थोड़ा और ठीक कर सकते हैं और समझा बुझाकर ठीक कर सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति जो है पूरी तरीके से आपके हाथ में है कि उसको ठीक कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि हम तो दिक्कत में है। हम तो अपने मरीज को लेकर वहां पहुंचे हुए हैं और जब चिकित्सा सही तरीके से नहीं मिलेगी तो गुस्सा करने की जो अधिकार है वो तो हमारा होता उस वक्त वहां पर। देखिए गुस्सा करने का अधिकार हमारा होता है और यही मरीज के परिजन भी करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, हम क्यों गुस्सा करते हैं? बेहतर इलाज नहीं मिलता है, हम इसलिए गुस्सा करते हैं। सिस्टम उनके साथ खड़ा नहीं होता इसलिए हम गुस्सा करते हैं। हमारा मरीज अगर मौत हो जाएगी इलाज के दौरान तो हम उस पर गुस्सा करते हैं। क्यों गुस्सा करते हैं? ये गुस्सा की वजह क्या बनती है? क्योंकि आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप सही तरीके से नहीं किया है, सिस्टम को आपने डेवलप सही तरीके से नहीं किया है। जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे ये अस्पताल चल रहा है, सीनियर डॉक्टर की यहाँ पे नियुक्ति नहीं हो रही है, अधीक्षक भी यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं तो प्रभारी अधीक्षक बनाए जाते हैं। देखिए कई खामियां हैं, इस खामियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो खामियां दूर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हम भी बेहतर इलाज की उम्मीद में यहाँ पे आएंगे और हमें बेहतर इलाज मिलेगा। तो कहीं से भी हम ना तो डॉक्टर्स के साथ उलझेंगे ना नर्सेस के साथ उलझेंगे, और डॉक्टर्स भी अगर उन्हें बेहतर सुविधा मिलेगी इलाज करने को लेकर के तो बहुत अच्छे अच्छे इलाज करेंगे। यही वो अस्पताल है कुछ दिन पहले जब एक छोटे बच्चे को 6 सरिया शरीर के अंदर प्रवेश किया गया था, उनका बेहतर इलाज करके उन्हें ठीक किया है। तो
जो संसाधन रहेंगे उस संसाधन में बेहतर इलाज होगा, और जब बेहतर इलाज होगा तो विवाद का कोई कारण ही नहीं बनेगा, और जब विवाद का कारण नहीं बनेगा तो ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न नहीं होगी। जी बिल्कुल दिलीप, तो निश्चित तौर पर हम तो यही गुजारिश करेंगे जो हमारे चिकित्सक हैं उनसे कि देखिए ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो समझ सकते हैं कि मनोदशा क्या रहती होगी उन मरीजों की या फिर उन मरीज के परिजनों की जब वो इलाज कर आपके पास पहुंचते हैं। ठीक है, आपको पता है कि संसाधन थोड़े कम है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति उससे कहीं ज्यादा मजबूत होती है, भी हमें पता है। प्रभात के पास चलते, प्रभात क्या हर बार जो संसाधनों की कमी या फिर जो लापरवाही जो होती है, जो आरोप लगते हैं मरीज के परिजनों की ओर से, वही कारण होते हैं हड़ताल के, या फिर कई बार मनमानियां भी होती है स्वास्थ्य विभाग की के जो लोगों की या चिकित्सकों की कह ले या फिर गैर चिकित्सीय कर्मचारियों की, क्योंकि हड़ताल तो इलाज नहीं है तो, लेकिन क्या हड़ताल हर बार इसी वजह से होता है? देखिए पंकज, आपने सही कहा कि हड़ताल ही इसका इलाज नहीं है, क्योंकि देखिए आपको हड़ताल आपको प्राइवेट अस्पतालों में नहीं मिलेगा। जितने भी प्राइवेट अस्पताल है पूरे झारखंड या पूरे कहीं भी अगर कहें तो प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पे नहीं जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट मैनेजमेंट अलग तरीके से देखता है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स जो होते हैं, चाहे वो हम धनबाद की बात करें या जमशेदपुर की बात करें या रांची की बात करें, इन जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं कहीं ना कहीं उन पर यह रहता है कि हम अगर हड़ताल करेंगे तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा तो सरकार हमारी जो बात है वो मान लेगी। लेकिन जब जो डॉक्टर होते हैं वो उनको पता है कि डॉक्टर का पैसा होता है कि मरीज की जान बचाना। अगर डॉक्टर ही हड़ताल पर चले जाएंगे, अगर मरीज को, आपने सही अपना उदाहरण दिया, अगर किसी को अपने परिजन को अगर हम लेकर पहुंचते हैं अगर वहां डॉक्टर नहीं मिलता है तो क्या स्थिति होगी वो समझा जा सकता है। निश्चित है कि हमें भी गुस्सा आएगा, आपको भी गुस्सा आएगा। उस वक्त अगर डॉक्टर के पास में अगर कोई अगर जाकर कहता है तो ये नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर को अगर किसी ने कुछ कह दिया तो इस पर गुस्सा हो जाए और उसके लेकर हड़ताल कर दे, क्योंकि डॉक्टर का पैसा ही होता है। कहा जाता है कि धरती के भगवान है, तो भाई आपको जान बचानी, आपको पेशेंट की रक्षा करनी, आप पेशेंट की सुरक्षा देखना है, तो इसको लेकर अगर डॉक्टर इस तरीके के छोटी छोटी बातों को अगर लेकर हड़ताल पर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। देखिए पिछले दिनों अगर हम कहें जमशेदपुर में भी MGM अस्पताल में बहुत सारे जो जूनियर डॉक्टर थे मारपीट हुआ था, मारपीट होने के कारण से उन लोगों भी ये ऐलान कर दिया था कि अगर प्रबंधन हमारी मात या प्रशासन हमारी को सुरक्षा नहीं देता है तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। हालांकि उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया था कि भाई आपको सुरक्षा दिया जाएगा, उसके बाद से अस्पताल में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सरकारी अस्पताल के ही जो डॉक्टर, चाहे जूनियर डॉक्टर कहें या सीनियर डॉक्टर, वो ही क्यों हड़ताल पर जाते? कहीं ना कहीं मरीज के बीच में अगर किसी का पेशेंट आता है, अगर पेशेंट कैजुअलिटी हो जाती है, अगर पेशेंट का ध्यान हो जाता है, उस वक्त निश्चित है मरीज के मन में गुस्सा रहता है और वो इस तरीके की घटना को अंजाम देता है। लेकिन प्रशासन को या जो हॉस्पिटल प्रबंधन है उसे कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए डॉक्टरों, क्योंकि डॉक्टर हॉस्पिटल में मरीज को देखने बिल्कुल, और इसलिए तो मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लाया जा रहा है। हालांकि थोड़े संशोधनों के साथ झारखंड में भी ये लागू होगा, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा तो आपको भी लेगी, लेकिन चीजें और हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक मरीज का इलाज को लेकर उपजे विवाद की वजह से आप बहुत सारे मरीजों का इलाज करने से मना कर दिए, ये भी तो सही नहीं है। और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक पॉइंट उठाया यहाँ पर प्रभात ने कि आखिर प्राइवेट या निजी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल क्यों नहीं करते, परिस्थितियां तो कमोबेश वैसे उनके पास ही आती है। तो कुल मिलाकर एक अपील हमारी है तमाम उन डॉक्टर्स के से जो हड़ताल पर हैं या फिर हड़ताल करने की सोच रहे हैं, तो एक अपील उनके साथ हमारी है कि देखिए इस हड़ताल से किसी का कुछ भला नहीं होने वाला है। हां, नुकसान जरूर जनता का होने वाला है, क्योंकि जनता बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास पहुंचती है किसी एक इंसिडेंट को लेकर, किसी एक मरीज या मरीज के परिजनों के साथ हुई घटना के बाद आप बाकी मरीजों को वो सजा कैसे दे सकते हैं? तो सोचिए, हम धरती के भगवान आपको कहते हैं, चाहे आप चिकित्सक हो जाए फिर चिकित्सा कर्मी हो जाए, तो उस मर्यादा को बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि हड़ताल इलाज नहीं है, इस हड़ताल से किसी का इलाज नहीं होता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और प्रभात आप भी बने रहिए हमारे साथ, और दिलीप आप भी बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, यहां पर एक नए मुद्दे के साथ आएंगे, लेकिन कमोबेश जुड़ा वो भी मेडिकल सेक्टर से जुड़ा मुद्दा ही होगा, तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।